नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW फाइनेंशियल सर्विसेज पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको इस कोरोना काल में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप ऑनलाइन घर बैठे आप IRCTC की वेबसाइट से जो है आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैंने इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि जो भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से मिल सके। और फ्रेंड, मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि फ्रेंड्स जितने भी मेरे नए नए वीडियो है GST के रिगार्डिंग, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग और जितने भी नए न्यू गवर्नमेंट स्कीम के रिगार्डिंग उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस पेज पे आ जाना है। मैं इस पेज का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको पहले क्या करना है, आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉगिन का बटन है। लॉगिन करने से पहले अगर आपने इस वेबसाइट पे अगर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे रजिस्टर है, तो आप रजिस्टर पे क्लिक करके जो है आप पहले इसमें रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद जो है आपको यूज़र आईडी और आपको पासवर्ड आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद जो है आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए अपना यूज़र आईडी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसका पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद जो है आप इसमें साइन इन कर लेंगे। चलिए मैं साइन इन कर लेता हूँ IRCTC की वेबसाइट पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं यहाँ बुक टिकट का यहाँ पे आया हुआ है। तो पहले आपको यहाँ पे फ्रॉम और टू यानी कि आप किस स्टेशन से बुक करना चाहते हैं आप वो स्टेशन का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद जहाँ पे आपको जाना है यानी कि जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन है तो उस डेस्टिनेशन प्लेस का जो स्टेशन होगा वो आपको यहाँ टू में आपको फिल करना है। तो चलिए जैसे कि मुझे धनबाद से जाना है तो मैं यहाँ पे धनबाद का DHN कोड होता है तो मैं उसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फिर मुझे यहाँ से अनुग्रह नारायण रोड जाना है तो मैं यहाँ पे अनुग्रह नारायण रोड मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। किस डेट में जाना है तो आपको डेट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 18 का डेट में मैं जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ 18/7/2021 कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि जनरल यानी तत्काल लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं, वो यहाँ से आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जो है लोअर बर्थ या सीनियर सिटीजन होंगे तो यहाँ पे आपको सीनियर सिटीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी सीनियर सिटीजन अगर आपका 60 से एज ऊपर का हो रहा तो, ठीक है ना। अगर आप लेडीज़ है तो उसके लिए भी जो है आप लोगों को अलग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पर लेडीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दिव्यांग यानी कि अगर आप हैंडीकैप हैं तो आप यहाँ दिव्यांग सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको प्रीमियम तत्काल सर्च करना है तो आप प्रीमियम तत्काल भी सर्च कर सकते हैं, तत्काल भी सर्च कर सकते हैं। तो मुझे जो भी रिजर्वेशन लेना है, मुझे जनरल रिजर्वेशन लेना है तो मैं यहाँ डायरेक्टली क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं सर्च के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सर्च के बटन पे क्लिक करूँगा आप देख रहे हैं मेरा सर्च होके जो है यहाँ पे सारे ट्रेन का नाम आ गया, जितना भी ट्रेन धनबाद से अनुग्रह नारायण रोड जाती है। तो देख रहे पहला जो है यहाँ पे हावड़ा न्यू दिल्ली स्पेशल ट्रेन है जिसमें अभी मेरा यहाँ वेटिंग लिस्ट चल रहा है। तो मुझे ऐसे ट्रेन को ढूंढना है जिसमें जो है वेटिंग लिस्ट ना हो, जिसमें सीट अवेलेबल हो। तो उसके लिए मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा। देख रहे हैं यहाँ हावड़ा जोधपुर स्पेशल एक्सप्रेस है यहाँ पे, तो इसमें भी वेटिंग है। और यहाँ पे देख रहे लुधियाना एक्सप्रेस इसको बोलते हैं, तो इसमें जो है अवेलेबल है। ठीक है, पर इसका जो टाइमिंग है ये सूटेबल नहीं है क्योंकि रात को 2 बजे ये उतारती है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हावड़ा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यहाँ पे जाती है, यानी कि हावड़ा से मुंबई ट्रेन जाती है ये, उसमें भी अवेलेबल नहीं है। फाइनली जो है मुझे यहाँ पे देख रहा है एक ट्रेन है धनबाद से डेहरी ऑनसोन, एक स्पेशल ट्रेन चलती है जिसको इंटरसिटी बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सीट अवेलेबल है, यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड सीटिंग यानी कि यहाँ पे आपको चेयर दिया जाएगा इसमें बैठने के लिए। तो यहाँ पे 1277 सीट जो है अवेलेबल है, उसका जो मुझे फेयर है 115 रुपये यहाँ पे लगेगा। ये जो फेयर जो यहाँ पे दिखा रहा है इसमें भी जो है आपका कन्वीनियंस चार्ज और इंटरनेट हैंडलिंग जो चार्ज है इसमें इंक्लूड होगा। तो उसको चेक करने के लिए आपको बुकिंग प्रोसीड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको बुकिंग को आगे बढ़ाता हूँ। तो उसके लिए जो है पहले आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको बुक नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको एग्री के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं आपको पैसेंजर का डिटेल डालने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना पैसेंजर का नेम यहाँ पे फिल कर दें, उसका एज उस और कौन सा जेंडर है वो जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक रहेगा, यहाँ पे अगर आपका कोई प्रेफरेंस होगा तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि सेकेंड एस यानी कि सेकेंड सीटिंग में जो है कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें पूरा जो है एक सीरियल वाइज में चेयर होता है जिसमें कोई भी प्रेफरेंस आपको नहीं दिया जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पैसेंजर के डिटेल को मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे पैसेंजर का नाम, यहाँ पे एज, यहाँ पे जेंडर मैंने सारे सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का कॉन्टैक्ट डिटेल जो है आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं योर डेस्टिनेशन एड्रेस यानी कि आप किस जगह पे जाना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस जो है आपको यहाँ पे फुल लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद जो है आपको नीचे चले आना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपको इंश्योरेंस नहीं लेना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो मेरा पर्सनल राय आप लोगों के लिए यही रहेगा कि अगर आपको 0.49 पैसे में अगर आपको इंश्योरेंस मिल रहा है तो आप इसको यस जरूर करें, क्योंकि आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो सके। ठीक है ना,
तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पेमेंट का मोड जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट के मोड आपको यहाँ पे दिए रहेंगे, जैसे कि अगर आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पे थ्रू भीम यूपीआई है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कोई भी भारत क्यूआर कोड है, पे ऑन डिलीवरी है, अगर इसके थ्रू अगर आपको पेमेंट करना है तो फाइनली जो है आप इसके थ्रू ही आप पेमेंट करें। पर इसमें जो है आपका कन्वीनियंस जो फी है वो 15 रुपीज़ प्लस जीएसटी लगेगा, पर आपको भीम यूपीआई के थ्रू अगर पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर 10 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भीम यूपीआई के थ्रू ही आपको पेमेंट करना चाहिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आपका पूरा पैसेंजर का डिटेल और ये कैप्चा जो है आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। चलिए इस कैप्चा को आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उससे पहले जो है आप व्यू कैंसिलेशन पॉलिसी जरूर देख लें। अगर आपको टिकट कैंसिल करना है तो उसका पॉलिसी क्या है, यानी कि उसका कैंसिल पॉलिसी क्या है, उसको चेक करने के लिए आपको व्यू कैंसिल पॉलिसी पर आपको क्लिक करके जो है पूरा उसको जो है आपको थोरोली जो है आपको रीड करना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख रहे पूरा रिफंड का जो है यहाँ पे प्रोसेस का पूरा जो है यहाँ पे लिखा गया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे अगर आपको रिफंड पॉलिसी अगर जानना है तो। उसके बाद जो है मैं डायरेक्टली यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, टिकट फेयर मेरा इतना हुआ, फिर उसका कन्वीनियंस फी जो है मेरा 11 रुपये 80 पैसा, ट्रैवल इंश्योरेंस जो है 49 पैसा, टोटल जो मुझे फेयर पेड करना पड़ रहा है 127 रुपया 29 पैसा पेड करना पड़ रहा है। तो मैं फाइनली क्या करूँगा, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको पेमेंट मोड यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर कैसे आप पेमेंट मोड को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे भीम यूपीआई है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, पे एंड बुक पे क्लिक करूँगा। जैसे ही पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अगर पेटीएम का अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा तो आप उस मोबाइल नंबर के थ्रू भी जो है आप यहाँ पे पेमेंट को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपके पास में यूपीआई आईडी है तो आप यूपीआई आईडी जो है डायरेक्टली यहाँ पे आप मेंशन करें। और यहाँ पे देख रहे मैंने अपना यूपीआई आईडी मेंशन किया, उसके बाद मैं पे पे क्लिक करूँगा। जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे, आपने जो भी यहाँ पे यूपीआई आईडी डाला होगा आपको उस ऐप को ओपन करना पड़ेगा, उसमें जो है आपको पेमेंट का लिंक आया होगा, तो आपको उस पेमेंट पे करके क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक जो है यहाँ से आपका पेमेंट ले लिया है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली बुक ए टिकट। ठीक है ना, यानी कि मैंने अपना टिकट जो है सक्सेसफुली जो है मैंने बुक कर लिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं उस टिकट का क्यूआर कोड आया हुआ है, यहाँ पेमेंट का पूरा डिटेल आया हुआ है, जो मेरा बुकिंग स्टेटस है वो मेरा कन्फर्म है, यानी कि जो भी मैंने टिकट बुक किया मुझे कन्फर्म मिला है। D3 कोच है, यहाँ 60 जो है मेरा बर्थ नंबर है, यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप जो है अपना टिकट कैसे प्रिंट निकालेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उस मोबाइल नंबर पे आपका टिकट चला गया होगा, और आपने जो भी मेल आईडी दिया होगा उस मेल आईडी पे भी आपका टिकट चला गया होगा। फिर भी अगर आपको यहीं से अगर टिकट को अगर प्रिंट निकालना है तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली इस प्रिंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ जैसे प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है आपका टिकट जो है आ चुका है। ठीक है ना, तो इसको प्रिंट निकालने के लिए सिंपल देख रहे हैं नीचे में प्रिंट है, तो आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसको जो है सेव करके रख लेता हूँ। यहाँ पे एक ही पेज का रिक्वायरमेंट होगा, तो यहाँ पे पेज को जो है मैं कस्टम करके एक पेज कर लेता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट, कर लिया मैंने यहाँ पे देख रहे एक ही पेज आ गया, मैं एक पेज को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव का लोकेशन मैं डेस्कटॉप डाल देता हूँ यहाँ से, यार एक मिनट टिकट कर देता हूँ। आप देख रहे मैंने टिकट को सेव कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से घर बैठे जो है ऑनलाइन जो है IRCTC की वेबसाइट से जो है टिकट बुक कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी जाना है इस कोरोना काल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आंसर भी करूँगा और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूँगा कि आप ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।